ना हमको मुख्यमंत्री बनना है ना इनको प्रधानमंत्री बनना है, हम जहां है वहां खुश है, उनके नेतृत्व में काम करने में खुशी है। तो इसलिए काम करने से मतलब है जनता के दिक्कत जो आ रही है, समस्या जो आ रही है उसका समाधान करने से हम लोगों को मतलब है। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। तेजस्वी यादव कब बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे? देखिए, उनके समर्थक जो हैं वो चाहते हैं कि तेजस्वी यादव जल्द से जल्द बिहार की बागडोर जो है, वो कुर्सी जो है वो सीएम की, वो संभाले। लेकिन तेजस्वी यादव वाकई चाहते कब हैं कि वो बिहार के मुख्यमंत्री बने? क्या 2025 में तेजस्वी यादव ये दिली इच्छा या दिली तमन्ना रखते हैं कि वो बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएं? तो आज जब बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव कई मुद्दों को लेकर बातें जो हैं वो अपनी रख रहे थे, बोल रहे थे, तो उन्होंने ये बताया भी कि आखिर वो कब मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। इस पर विस्तार से उन्होंने बात की और साथ ही बताया कि नीतीश कुमार जो हैं वो पीएम बनेंगे या नहीं बनेंगे, इसको लेकर भी उन्होंने बात की है। तो खुद के सीएम बनने और नीतीश कुमार के पीएम बनने को लेकर तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं, वीडियो में आगे देखो। मुख्यमंत्री बनना है ना इनको प्रधानमंत्री बनना है, हम जहां है वहां खुश है, इनके नेतृत्व में काम करने में खुशी है। तो इसलिए काम करने से मतलब है जनता के दिक्कत जो आ रही है, समस्या जो आ रही है उसका समाधान करने से हम लोगों को मतलब है। अपनी इच्छा क्या है? अब हमसे ज्यादा भाग्यशाली कौन होगा? मेरे माता पिता दोनों मुख्यमंत्री रहे, हम उप मुख्यमंत्री रहे, नेता विपक्ष के नेता रहे, और क्या चाहिए हमको? लेकिन जो इन्होंने मौका दिया हमको, उस पर इनके डिसीजन को भी हमको खड़ा उतरना है कि जो इन्होंने निर्णय लिया वो सही लिया, इनके लिए हम लड़ रहे हैं। कोई इधर उधर से बातचीत करता हो गलत बात ना किया करे, तरह तरह की बातें होती है, कोई कुछ भी करेगा, जब हम इनके साथ खड़े हैं तो मजबूती के साथ खड़े हैं, कोई डगमगा नहीं। इन लोगों का सपना देखते रहिए, अब टूटेगा महागठबंधन, बताइए। सब जानना गया है इन लोगों को, लकुआ मारा हुआ है अभी भी नहीं, वो काटता है तो पूरा बिछलता है, हड्डा उड्डा काट देता है, मधुमक्खी काट देता है, क्या कहते उसको, काटता तो क्या होता है यहाँ, जलन जो होता है, क्या होता है उसको, जलन जो होता है, वैसा हाल हो गया है महोदय। बिस बिसाता है, एकदम बिस बिसाए हुए लोग हैं, तुरंत कूद फान कर रहे, तुरंत कूद फान कर रहे, कोई मतलब नहीं। बताओ, सदन में बोला नहीं तब विरोधी दल कि हम माफी मांगेंगे अगर वो गलत होगा, तमिलनाडु वाली घटना, सारा जांच रिपोर्ट आ गया, कहां खड़े होकर के कोई शर्म नहीं है, कोई शर्म नहीं, उल्टा चोर जो है कोतवाले को डांट रहा है।